लगातार लगे लॉकडाउन को लेकर जहां एक ओर लोगों के बिजनेस कारोबार पूरी तरह से बंद हैं, वहीं दूसरी तरफ आवेश खान जैसे युवा समाजसेवी गरीबों मजदूरों की मदद के लिए सामने भी आ रहे हैं। लगे हुए लगातार लॉकडाउन को लेकर आवेश खान गरीबों तक राशन मुहैया कराने का काम भी कर रहे हैं, और क्योंकि ईद का त्यौहार भी जल्द ही आने वाला है, उसको लेकर युवा समाजसेवी आवेश खान व उनके साथियों का सराहनीय कार्य भी देखने को मिल रहा है। माहे रमजान में रमजान की किट बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे नौजवान साथियों का जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अयोध्या से हमारे संवाददाता तुफैल अहमद की रिपोर्ट। आज एक बार फिर वही नौजवान साथी, उभरते हुए साथी जो हमारे बीच कुछ दिन पहले हमारे चैनल से रूबरू हुए थे, एक बार फिर मैं उनसे आपको मुखातिब करवाऊंगा, आपसे रूबरू करवाऊंगा। लेकिन पहले मैं कुछ बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जनता से बताना चाहूंगा कि क्या 64वां दिन है लॉकडाउन का, और धीरे धीरे भी सरकार भी और राज्य सरकार भी और प्रशासन भी धीरे धीरे ढील दे रहा है, व्यवसाय को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, और जल्द ही उम्मीद है कोई ना कोई रास्ते निकलेंगे। क्योंकि जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, मजदूर तबके के लोग आ रहे हैं, इनके द्वारा लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि फैजाबाद अयोध्या में अभी तक ऐसे कोई भी केस नहीं निकले हैं जो कि खुद यहाँ के मूल निवासी हो या उनके अंदर इस तरह के कोई बैक्टीरिया या इस तरह के कोई कीटाणु पाए गए हों। जो भी प्रवासी हैं वो बाहर से आए हुए हैं, और सभी जो भी हैं 42 केस आज जो हो चुके हैं वो पॉजिटिव केस बाहरी है, महाराष्ट्र से और आपके हरियाणा और पंजाब से जो लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा ये पॉजिटिव केस देखने को मिल रहे हैं। और एक बार फिर मैं आवेश खान जी को इस चैनल के माध्यम से रूबरू करूंगा। भाई आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तेमाल है, इस चैनल में स्वागत है। एक बार फिर आपको चैनल ने याद किया, और आपकी इस काम को देख के बड़े भाई सराहनीय कार्य युवा साथी हैं, नौजवान हैं, और बहुत अच्छा काम आप समझ तक एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं कि युवा होकर आप इस तरह का काम कर रहे हैं, लोगों तक मदद पहुँचा रहे हैं। तो आज कुछ ऐसा क्या नया आप कर रहे हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे, और मैसेज भी मैं चाहूँगा ज़रूर दीजिए कि क्या लोगों को भी इस तरह से सामने आना चाहिए, लोगों तक मदद पहुँचानी चाहिए। बिल्कुल, मैं पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं अपने प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कोरोना योद्धा में एकदम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब से लॉकडाउन हुआ है मैं तब से राशन वितरण कर रहा हूँ लोगों को, और आगे भी लोगों को करता रहूँगा। और आज की मेरी तैयारी जो है ईद की भी मैं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, और ईद की मैंने किट तैयार की है लोगों को लिए जो आज मैं वितरण करूँगा सभी को। जिस तरह से लॉकडाउन है भाई, ईद की नमाज तो ईदगाह में होनी नहीं है, तो क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि उनको किस तरह से घरों में रहकर नमाज को अदा करना चाहिए? मैं सभी माँ भाई और भाइयों बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घरों में रहें और नमाज घरों में ही अदा करें, क्योंकि ये लॉकडाउन का मामला है, इस वजह से आप लोग नमाज अपने घरों में अदा करें ईद की, और मुल्क के लिए दुआ करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए आप दुआ करते रहिए। और ईद का त्यौहार बहुत बड़ा पर्व त्यौहार मुस्लिम समुदाय के लिए माना जाता है, क्योंकि एक माह का रोज़ा रखने के बाद, और क्योंकि सुबह 4 बजे सहरी से लेकर शाम 6:50 तक ये टाइमिंग होती है रोज़ा खोलने की, और तब तक भूखे प्यासे ऊपर वाले का नाम लोग लेते हैं, याद करते हैं अपने ईश्वर को, अपने खुदा को याद करते हैं, और अपने रोज़े को कामयाब करने के लिए बिल्कुल अपना पूरा योगदान पूजा पाठ में ही लगाते हैं। और आज मैं फिर जानना चाहूंगा कि आज किट में आपने यहाँ क्या क्या रखा है रमजान के रोजे के लिए या ईद के त्यौहार के लिए, क्या सामान इसमें आप क्या पैक करके दे रहे हैं आप? इसमें ईद की किट है ये, इसमें सेवइयाँ हैं, चीनी है, और चना है, मटर है, और भी वगैरह वगैरह चीजें हैं जो लोगों के जरूरतमंद काम आएंगी। ईद में ये सेवइयाँ बना के अपने बच्चों को खिला सकेंगे, जिन माँ के घर नहीं है सेवइयाँ वो कम से कम सेवई बना के अपने बच्चों को खिला सकती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारा जज्बा है ये वाकई नौजवान साथी हैं। और देखिए कुछ हमारे मोहल्ले के भी लोग हैं जो वाकई में कुछ कहना चाहेंगे आवेश जी के लिए, मैं चाहूँगा बिल्कुल। भाई क्या नाम है आपका? मैं भाई आपका नाम जानना चाहूँगा, मोहम्मद चांद। और जिस तरह से आपके मोहल्ले के निवासी हैं आवेश भाई, नौजवान साथी हैं, और इस तरह के कार्य को अंजाम तक पहुँचा रहे हैं, लोगों तक मदद पहुँचा रहे हैं, तो पहले मैं चाहूँगा अपना नाम बता दें और क्या कहना चाहेंगे इनके लिए आप? हमारा नाम मोहम्मद चांद खान है, और मुझे बहुत खुशी होती है
कि जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और लोगों तक जिस जो इसकी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, उसको वहाँ तक सामान पहुँचाया जा रहा है और लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही है। और इतनी कम उम्र में इतना जज्बा बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये करते चले आ रहे हैं बहुत पहले से और करते रहेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा, इसमें ईद की किट में काफ़ी सामान है और लोगों तक बांटा जाएगा। और मुझे बहुत ईद के त्यौहार के लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या कहना चाहेंगे ईद के त्यौहार के लिए? मैं कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के दरमियान जो है लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रह करके नमाज अदा करें और सेवैयाँ बनवाएं और खाएं और लोगों को ईद की मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। काम तो काबिल तारीफ है, नौजवान है, युवा आए, ब्लड अभी यंग है और इस तरह के काम को अंजाम को देने के लिए बिल्कुल हमारे आविश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आविश भाई हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, क्योंकि एक बार फिर रिकमेंड किया गया था कि आविश जी को एक बार फिर से चैनल में लाया जाए, तो बिल्कुल आपका शुक्रिया, आपने हमको समय दिया। और एक लास्ट संदेश मैं चाहूँगा कि आप जनता तक पहुँचाएँ कि जिस तरह से हम मदद पहुँचा रहे हैं, आप उन धनवान लोगों के लिए कुछ ऐसा मैसेज दें जिनके पास पैसा है लेकिन फिर भी वो सामने नहीं आ रहे। मैं चाहूँगा आखिरी सवाल है, आखिरी बात आप उन तक पहुँचा दें। मैं उन पैसे वालों से कहता हूँ, ये देखिए पहली बात तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये रमजान मुबारक का महीना है, इस महीने में सभी मुसलमान भाई सदका निकालते हैं, लोगों को जो गरीब होते हैं उनको सदका देते हैं और मैं चाहता हूँ वही सदका जो गरीबों को देना चाहते हैं और नहीं निकाल रहे हैं इस वक्त वो गरीबों तक पहुँचाएँ, सदका ही निकाल के गरीबों तक पहुँचाएँ, कम से कम उनकी ज़रूरत पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ज़रूरत सदका। देखिए रमज़ान में बताया जाता है कि मुस्लिम समुदाय में, इस्लाम में भी है कि फितरा और ज़कात तो सबका ये निकाला जाता है, ये गरीबों का हक होता है जो गरीबों तक पहुंचाया जाता है। और इसका शहर इमाम ने एक मेंबर पे 50 रुपये भी रखा है। तो अभी जिन लोगों ने सदका नहीं दिया है या ज़कात नहीं दिया है तो एक बार अपने चैनल के माध्यम से भी अपील करूँगा कि आप बिल्कुल गरीबों तक उनका हक पहुँचा दें। और चलिए एक बार आवेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अयोध्या फैजाबाद से JD News के लिए तूफ़ान रहमान।